तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर वैकेंसियां कम निकलती हैं पर उन पर रोक ज़्यादा लगती हैं, और उसी तरह से आप सभी की एक वैकेंसी है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी जिसकी उम्मीदवारों के अपने एग्ज़ाम के बाद जो है अपनी रिज़ल्ट की इंतजारी थी, अपनी नियुक्ति की इंतजारी थी। पर उम्मीदवारों के हाथ में क्या लगता है कि इस पर जो है कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट ने इस वैकेंसी को अंडरटेकन कर लिया था, पर दोस्तों आप सभी को पता है कि इसकी सुनवाई हुई और जो कल जो इसकी सुनवाई है उसमें क्या कोर्ट की तरफ से निकल कर आ पाया, और साथ ही रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा क्या इस वैकेंसी को लेकर जो रोक लगाई गई थी उस रोक पर उसका क्या जजमेंट आया, क्या इस जजमेंट से अब उम्मीदवारों को कोई बड़ी होप मिलेगी अपनी रिजल्ट को लेकर, उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि सारी जो अपडेट है वो आप सभी को कल ही प्रोवाइड करनी थी, पर कुछ एरर की वजह से जो अपडेट है वो आप सभी को नहीं मिल पाई, और जो मैं आज के वीडियो में आप सभी को पूरे तरह से यह इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस कारण की वजह से और अब क्या जो रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो क्या जल्द से जल्द जो है सरकार पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यानी कि जो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें उम्मीदवारों को अब क्या इंतज़ार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जो जजमेंट आया, जो दलीलें पेश की, वो उसमें यही निकल कर आ पाया कि कोर्ट ने जो इस वैकेंसी को लेकर रोक लगाए थे, यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो रोक लगाया गया था, उस रोक को अब कोर्ट ने यहां से जो है हटा दिया है। अब ये जो वैकेंसी है वो पूरे तरह से क्लियर हो चुकी है, और यह सारी जो अब अपडेट है वो यहाँ पर कोर्ट ने इसे पूरे तरह से जो अंडरटेकिंग थी उसे हटा दिया है। अब इस वैकेंसी पर जो भी रोक थी कोर्ट के द्वारा वो यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। अब सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि अब जो ये वैकेंसी है रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास है, और रिक्रूटमेंट बोर्ड इसमें कितना टाइम लेगा इस वैकेंसी को क्लियर करने में यह अब उन पर ही डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो आप सभी की जो परिणामे हैं वो कल भी जारी हो सकती हैं और एक महीने बाद भी जारी हो सकती हैं। तो जो सारी जो अब यहाँ पर जो उम्मीदवारों के फेवर में जो वर्क करेगी वो यहाँ पर सीधे तौर से आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। पर दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करेगी या नहीं करेगी? तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग अपडेट भी है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि जिसमें ये प्रक्रिया यह बताई जा रही हैं कि हो सकता है कि कुछ और समय रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा लिया जाए और जो आप सभी की परिणामे हैं कुछ समय के लिए होल्ड भी किया सकता है, यानी कि दोस्तों एक वीक या दो वीक यानी कि आप ले सकते हैं, पर इसके अंदर ही आप सभी की जो प्रक्रिया हैं, जो परिणामे हैं वो यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों जारी कर दी जाएगी। अगर दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी और इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप सभी के लिए जो डिमांड रहती है रिज़ल्ट को लेकर, जो भी अपडेट आती है वो आप सभी को शेयर किया जाए, और अगर आपके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे इस कोर्ट केस को लेकर तो आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उस अपडेट को भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को जरूर दिखाया जाएगा, और रिज़ल्ट की प्रोसेस को लेकर भी अगर आप सभी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप अपनी बातें ट्विटर पर जरूर रखें, क्योंकि उम्मीदवार लगातार वहाँ पर विजिट करते रहते हैं कोई ना कोई अपडेट के लिए, अपने रिज़ल्ट के प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया गया। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।